वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है क्लास 11 के बच्चों के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आज हम बात करेंगे पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो अगर आपने मेरे चैनल वीएस इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इट इज़ अ कर्व विच शोज वेरियस पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हेन रिसोर्सेज आर गिवन एंड टेक्नोलॉजी रिमेंस कॉन्स्टेंट। पीपीसी कर्व क्या होता है? ये वो कर्व होता है जो किसको शो करता है, पॉसिबल कम्बिनेशंस को शो करता है। किसके? टू गुड्स के पॉसिबल कम्बिनेशंस को शो करना, जब हमारे पास रिसोर्सेज गिवन होते हैं और टेक्नोलॉजी हमारे पास कॉन्स्टेंट होती है, इसे कहते हैं पीपीसी कर्व। नेक्स्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम और क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, या इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। पीपीसी कर्व को हम एक डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। अब आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम शो हो रहा होगा जिसमें हम दो गुड्स को लेकर चले हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई। अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात, पीपीसी कर्व का जो स्लोप होता है वो कनकेव होता है, कनकेव टू द ओरिजिन, डाउनवर्ड स्लोप होता है लेफ्ट टू राइट। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि पीपीसी कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं और पीपीसी कर्व के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वो अटेनेबल पॉइंट्स होते हैं, वो एफिशिएंट पॉइंट्स होते हैं, यानी कि जिनको अटेन किया जा सकता है, जो क्या होते हैं फुली फुली एफिशिएंट होते हैं। जबकि पीपीसी कर्व के जो बाहर पॉइंट होते हैं वो कैसे पॉइंट होते हैं? वो अपने अनअटेनेबल पॉइंट्स होते हैं, यानी कि जिनको हम अटेन नहीं कर सकते। पीपीसी कर्व के अंदर ये जो आपको पॉइंट शो किए गए हैं, आपको एग्जाम में किस तरह से शो करना है, आपको कुछ पॉइंट्स पीपीसी कर्व के ऊपर लेने हैं, कुछ पॉइंट्स अंदर लेने हैं। तो जो पॉइंट्स पीपी कर्व के ऊपर होंगे और अंदर होंगे, वो सभी पॉइंट्स कौन से होंगे? अटेनेबल होंगे और एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे। और पीपीसी कर्व के जो बाहर पॉइंट है, जैसे आपको एक डायग्राम में शो किया गया है, पीपीसी पॉइंट के बाहर का एक पॉइंट दे रखा है आपको सी, तो जो सी पॉइंट है ये आपका अनअटेनेबल पॉइंट है, ये इनएफिशिएंट पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज़ नहीं किया जा रहा, और ये जो पॉइंट्स है ये अनअटेनेबल है, जिनको हम आसानी से अटेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, द टेबल विच शोइंग डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। जो डिफरेंट पॉसिबिलिटी को शो करता है प्रोडक्शन की, वो होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। नेक्स्ट आता है अजप्शंस ऑफ पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की कुछ अजप्शंस होती हैं। फर्स्ट अजप्शन अपने पास आती है रिसोर्सेज आर गिवन, रिसोर्सेज जो होते हैं गिवन होते हैं। सेकंड पॉइंट, गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, जो रिसोर्सेज गिवन है उनका फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा रहा है। और थर्ड पॉइंट अपने पास आता है टेक्नोलॉजी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जो टेक्नोलॉजी होती है वो कैसी रहती है? अपनी कॉन्स्टेंट रहती है। नेक्स्ट आता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी, पीपीसी की कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट। मैंने आपको डायग्राम में भी शो किया था कि इसका जो स्लोप होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट होता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। किसकी वजह से? ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि कनकेव टू द पॉइंट का मतलब होता है कि ये किसको दिखाता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को दिखाता है। इसलिए जो इसका पॉइंट होता है वो कैसा होता है? कनकेव टू द पॉइंट होता है, यानी कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये किसको दिखाता है? उसकी कनकेवनेस को दिखाता है, और जो कनकेव होता है वो किसको दिखाता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स को दिखाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।